इस्तेमाल ना कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल से। बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने छापे की कार्रवाई की है। आदमपुर के छावनी पठार में ये कार्रवाई हुई है। निजी स्कूल में शराब से भरे कई ड्रम बरामद हुए हैं, ग्रामीणों ने इत्तला दी और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने निजी स्कूल में शराब से भरे कई ड्रम बरामद किए हैं। आदमपुर के छावनी पठार में पूरी कार्रवाई हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने छापे की कार्रवाई की है आदमपुर के छावनी पठार में। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से, निजी स्कूल में शराब के ड्रम। जी बिल्कुल, शिक्षा के मंदिर में जो है शराब का पूरा कारोबार चल रहा था। हालांकि ग्रामीणों ने जिस तरीके की जानकारी साझा की और बताया कि जो छावनी पठार जो गांव है आदमपुर का, वहां पे लगातार निजी स्कूल के जरिए शराब के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां से शराब के कारोबार का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पे प्राथमिक तरीके से तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पूरी कार्रवाई की गई। छावनी पठार में अलग अलग टीमें जो है वो आबकारी विभाग की वहां पहुंची और वहां पे स्कूल में छापेमार कार्रवाई करके वहां से कई ड्रम जब्त किए गए। उन ड्रम में अवैध शराब जो है वो रखी थी, सबको जब्त करने का काम किया गया। इसके अलावा अब आबकारी टीम इस पूरे मामले में इन ड्रम के जो मालिक थे, स्कूल में कौन इस शराब की सप्लाई कर रहा था, वहां पे शराब बनाने का काम कर रहा था, अवैध रूप से शराब का भंडारण कर रहा था, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिसको लेके आबकारी की जांच जारी है। फिलहाल इस निजी स्कूल के संबंध में भी जानकारी जुटाने का काम जो है वो आबकारी की टीम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब रतलाम से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। रतलाम में जांच एजेंसियों ने दबिश दी है। स्टेट और सेंट्रल की जांच एजेंसियों ने छापे की कार्रवाई की है। होटल से दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए, कस्टडी में लिए गए हैं। अभी उसे गिरफ्तारी नहीं कहा जा रहा है, कोई भी इसकी पुष्टि करने को चूंकि तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकी संगठनों से जुड़े होने का इनपुट मिला था। PFI के लिंक भी की भी जानकारी मिल रही है। सेजावता स्थित होटल से कस्टडी में लिए गए हैं। PFI केस के बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर एजेंसी की नजर बनी हुई है।